You got me jumping like. आज गंजर महादेव मंदिर में आए हैं हम शिवरात्रि का मेला देखने, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बताती हूँ कि यहाँ का मेला कैसा होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ यहाँ का मेला कैसे होता है, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं शिवरात्रि को यहाँ पे। तो आइए आपको छोटा सा झलक ही बताऊंगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं हम यहाँ की सेलिब्रेशन। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बेचते हैं। ये इन लोगों का एक, यहाँ के जो मेले होते हैं ये इन लोगों के लिए एक बिजनेस होता है, जो ये पूरे साल का यहीं पे कमा के जाते हैं। यहाँ पे धर्मशाला में दाढ़ी का मेला बहुत फेमस होता है। अघंजर महादेव मंदिर के बाद यहाँ पे एक हमारे ही गांव में खनियारा में एक और मेला होता है, जिसे छेंज वाला मेला कहा जाता है। और उसके बाद दाढ़ी का मेला होता है, जो कि काफ़ी लोग जानते हैं। दाढ़ी का मेला बहुत फेमस है यहाँ पे, तो ये लोग यहाँ पे आके कमाई करते हैं। और ये शिवरात्रि का मेला तो हर साल लगता है, लास्ट ईयर भी लगा था, उसके बाद हमें कोई भी मेला नहीं मिला था देखने को कोरोना का। तो इस बार हमें मतलब पूरे एक साल बाद ये मेला दोबारा से देखने को मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चहल पहल देख के। अरे तुम्हें क्यों नहीं लेना ये वाला? डर लगता है। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो इस मेले की। तो आप सब कमेंट करके बताइए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो बाय गाइस।